रियल फन ऑफ उत्तराखंड के बीच में, इसके आसपास बहुत सारे ट्रैक्स हैं। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं होम ऑन व्हील सीरीज एपिसोड 9, जहां मैं आपको लेके जाने वाला हूं उत्तराखंड में मोरी गांव। इस गांव में 500 से भी कम लोग रहते हैं और टोटल 75 घर हैं वहां। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है गाइज ये। इसके आसपास बहुत से ट्रैक कनेक्ट होते हैं। मुझे ये जगह मुकेश राणा ने रिकमेंड करी है, जो कि मेरे फ्रेंड है, वो इसी गांव में रहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें गाइज। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू होम ऑन व्हील सीरीज पार्ट 9। अगर गाइज आपने पार्ट 8 देखा हो तो वहाँ पे मैंने मणिकरण गुरुद्वारा दिखाया था, जो कि कसोल में था, हिमाचल प्रदेश में। वहाँ से निकल पड़ा मैं अपनी यात्रा को कंटिन्यू करने उत्तराखंड। तो ये जगह के लिए मुझे रिकमेंड किया था मेरे फ्रेंड ने, और हमने अपनी जर्नी शुरू करी ऋषिकेश टू मोरी गांव उत्तराखंड। इस जगह को मोरी मोतार भी बोला जाता है गाइज। इस जगह के पास से 5-6 ट्रैक भी होते हैं जो कि बहुत फेमस है। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये है मसूरी। तो हम फाइनली मसूरी तक पहुंच गए थे। मुझे एटीएम से पैसे निकालने थे, ऊपर जाने से पहले पेट्रोल डलवाना था। तो यहाँ पे हमने कुछ देर होल्ड, एटीएम ढूंढा, मार्केट में घुसे, पैसे निकाले, फिर कंटिन्यू कर दिया हमने अपना जर्नी मोरी के लिए। गाइस, मोरी इज अ ब्यूटीफुल टाउन सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ टर्न्स रिवर। ये टर्न्स रिवर के साथ ही गांव स्थित है उत्तराखंड में। ये गांव 1150 फीट की एलिवेशन पर है। जब आप देहरादून से मोरी गांव की तरफ जाएंगे, इतनी ब्यूटीफुल सिनेमैटिक स्पॉट्स आएंगे गाइस, आप हैरान रह जाएंगे। वहां पे हवाएं चलती रहेंगी, हर पहाड़ आपको कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन देगा, और सबसे बड़ी बात, वहां के लोग, रास्ते में आपको जो भी लोग मिलेंगे वो आपको बहुत ही प्यारी तरीके से वेलकम करेंगे। कहा जाता है कि मोरी गांव हेवन माना जाता है ट्रैवलर्स के लिए, क्योंकि इस गांव के पास बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं और इस गांव से ही बहुत सारे ट्रैक्स कनेक्टेड हैं। उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। इसके आसपास नेशनल पार्क भी हैं, जैसे कि गोविंद नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके पास एक हेनोल टेम्पल है, जो कि बहुत ही प्राचीन टेम्पल है। आप यहाँ पे जंगल वॉक्स कर सकते हैं, बीच कैंपिंग कर सकते हैं, विलेज वॉकिंग कर सकते हैं, बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, और ट्रैकिंग पे भी जा सकते हैं। एंड मोरी इज लोकेटेड इन सिंगतूर रेंज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये जगह टर्न्स रिवर के आसपास पड़ती है। तो मैं निकला था ऋषिकेश से मोरी की तरफ, जिसका डिस्टेंस था 230 किलोमीटर। मैंने ओवरनाइट जर्नी करी थी। मेरे एक्सपीरियंस ये कहता है कि नंबर 1 और सेक्लूडेड पहाड़ी है उत्तराखंड में। ये जो सीन आप देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पे, यहाँ से मोरी सिर्फ 50 केम रह गया था। तो हमने यहाँ पे हॉल्ट किया, बहुत अच्छी धूप भी हो रही थी, मीठी मीठी ठंड भी हो रही थी। यहाँ पे हमने थोड़ी देर रिलैक्स की बॉडी, क्योंकि हम ओवरनाइट ड्राइविंग कर रहे थे, और उसके बाद फिर हम निकल पड़े मोरी की तरफ। तो अभी हम यहाँ पे हैं रिवर के पास, पहाड़ों के बीच में, और पूरे आस पास सारे के सारे यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं चीड़ के। तो फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ पे, भाई का घर है। हमने जैसा आपको बताया, जैसे दिखाया तो आप लोगों को, कि अगर आप लोगों ने फन, रियल फन ऑफ उत्तराखंड देखना है, ये जगह ऐसी है कि अगर आप इस जगह आ गए, इस जगह एक्सपीरियंस कर लिया, इसके आसपास बहुत सारे ट्रैक्स हैं फॉर दोस गाइज हु लव टू डू ट्रैक। बताओ, आप वो ट्रैक के बारे में बता रहे थे, केदारगंथा ट्रैक, दूसरा चांगशेल ट्रैक, हरकी दुन ट्रैक, क्वारी पास, ये सब आसपास है 10-15-20 किलोमीटर के रेंज में। अगर आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आनंद करते हो, यहाँ पे होल्ट करते हो, यहाँ से अपना ट्रैक रेडी कर सकते हो, और वापस यहाँ पे आके ये रिवर साइड में कैंपिंग कर सकते हो। और यहाँ पे कैंप्स भी हैं, पे आपको दिखाएंगे हम, कॉटेज हैं यहाँ पे, उनके होम स्टेज भी हैं। तो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर कराने वाले हैं। तो गाइज, मैं मोरी विलेज की 4 पार्ट्स में वीडियो डालने वाला हूँ। ये था मेरा फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ इस गांव को जानने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ का कल्चर कैसा है। जब हमने विजिट किया, पूरा गांव हमसे मिलने आया, और मैं आपको दिखाऊंगा जब यहाँ पे देवता आते हैं तो कैसा रहता है माहौल। चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मैं आपको यहाँ के रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ अपनी नेक्स्ट 3 वीडियोस में। आशा करता हूँ आपको होम ऑन व्हील सीरीज की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को उसके साथ जो ट्रैवल फ्रीक है और जो उत्तराखंड जाने की सोच रहा है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, खुश रहो, मस्त रहो, ऊपर वाले के भक्त रहो। जय बोलेगी।